ये कहानी है एक ऐसे टीनेज लड़की की जो सीरियल किलर्स को अपना आइडल मानती थी, जिसने अपना पहला क्राइम करने से पहले अपने दोस्त को टेक्स्ट किया था और उसे गुड लक विश करने को कहा था। ये कहानी है डोमिना चेरी की। डोमिना 2003 में जर्मनी में पैदा हुई थी। डोमिना का असली नाम है सारा। जब वो अपने टीनेज में थी तो वो अपने फैमिली और अपने स्कूल के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी और उसे स्कूल के बाहर कई बार लोकल पुलिस ने भी पकड़ा था। 15 साल की उम्र में सारा नशे करने वालों के साथ घूमने लगती है और वो भी नशा करने लगती है। और यही टाइम था जब सारा ने इंटरनेट और बुक्स में ट्रू क्राइम्स और सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जैसे टेड बंडी और रिचर्ड रैमिरस। यहाँ तक कि इसने इन दो सीरियल किलर्स के पोस्टर्स अपने रूम में लगा के रखे थे। सारा ने अपने हाथों में एक सिम्बॉल भी बनाया था। इस सिम्बॉल को पेंटागन कहा जाता है। इस सिम्बॉल को शैतान का सिम्बॉल कहा जाता है। ये दो सीरियल किलर्स इसे इतने अच्छे लगने लगी कि वो इन्हीं की तरह बनना चाहती थी। और इससे आपको सारा की दिमागी हालत के बारे में पता चल गया होगा। सारा अब इंटरनेट में लोगों को मारने के तरीके ढूंढने लगी, जैसे कि अगर किसी इंसान के गले में खंजर से वार किया जाए तो उसे मरने में कितना टाइम लगेगा। सारा के ऊपर अब लोगों को मारने का भूत सवार था। और यही टाइम था जब उसका ब्रेकअप भी हुआ था, तो वह काफ़ी डिप्रेशन में भी थी। 27 अप्रैल 2021 में सारा ने सोशल मीडिया में एक न्यू अकाउंट बनाया और उसने अपना आईडी का नाम डोमिना चेरी रखा। और 2-3 दिन के अंदर ही उसने 200 से भी ज़्यादा लोगों से बात की, जिनमें से एक 38 साल का आदमी जयाद भी था, जो सारा के घर के आसपास ही रहता था। ये दोनों बातें करने लगते हैं और इनकी दोस्ती भी हो जाती है और ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं। मिलने से पहले डोमिना ने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया कि आज वो अपना पहला क्राइम करने जा रही है और वो काफ़ी एक्साइटेड है, और वो उसे गुड लक विश करने को कहती है। सारा की दोस्त को उसकी दिमागी हालत के बारे में पता था, तो वो इस टेक्स्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। अब जयाद शाम को सारा को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जयाद को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और कुछ ही देर के बाद ही सारा एक खंजर से जयाद के गले में वार कर देती है। उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, पर वो नहीं बच पाता। पुलिस ने अब सारा को पकड़ लिया था, पर वो पुलिस से नहीं डरी और उसने खुशी खुशी अपना ये क्राइम कबूल किया। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो सारा ने अपने हाथों में बना हुआ सिंबल दिखाया। और ऐसा ही कुछ 1988 में रिचर्ड रैमिरस ने किया था। कोर्ट को पता चल चुका था कि सारा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए उसे 19 साल की उम्र में 12 साल के लिए मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, जहां उसका आज भी इलाज चल रहा है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।